अगर देश का किसान आतंकवादी है तो मैं भी आतंकवादी हूं। उक्त बात का प्रगटावा एक प्रेस वार्ता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी व हल्का सुल्तानपुर लोधी के सीनियर अकाली नेता सज्जन सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से देश के किसानों के विरुद्ध पास किए गए काले खेती कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर देश भर में अलग अलग राज्यों की किसान जथेबंदियों द्वारा पिछले कई दिनों से दिल्ली में शांतमय आंदोलन किया जा रहा है। दरअसल की है, मोदी साहब जिहड़े ने कॉर्पोरेट घराणियां नूं ए बेच चुके ने पंजाब। उन्हां दा इरादा यह सी कि तीन पीस जिहड़े मीट दे ने इह पिंजरे च रख दिओ ते पंजाबी शेर पिंजरे च वड़ के उन्हूं खाण लग जाणगे। कॉर्पोरेट घराणे जिहड़े ने उन्हां नूं सर्कस दा शेर बना के ते इशारियां ते नचाणगे। समझदार जिहड़ियां किसान ने पंजाब दे लोक ने उन्हां नूं उहदे च बेईमानी दी उहदे च कमीनगी दी जिहड़ी इह बदबू आ। मूवमेंट नूं बदनाम करन वास्ते खट्टर साहब ने जां मोदी साहब ने बंदे भेजे खालिस्तान दे नारे लवाए। तीन डिग्री टैंपरेचर च बैठियां ने इन्हां नूं उहदे च मां नहीं दसदी अपनी। पंजाब दे लोक जाना वारना मैं तुहानूं गरंटी दिंदा इहनूं कानून वापस लैणे पैणे आ, कानून वापस लैणे पैणे। इसी संबंध में देश के पद्मश्री ओलंपियन अर्जुन अवार्डी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा किसान आंदोलन की जमकर हिमायत की जा रही है। इस मौके पर कबड्डी कोच रहे प्रसिद्ध खिलाड़ी बलविंदर सिंह तूर, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यादविंदर सिंह यादा, रशपाल सिंह बिट्टू और वरिष्ठ अकाली नेता नंबरदार सुखविंदर सिंह सत्ता ने अर्जुन अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और हल्का सुल्तानपुर लोधी के सीनियर अकाली नेता सज्जन सिंह और बाकी खिलाड़ियों द्वारा किसानों के आंदोलन के समर्थन में अर्जुन अवार्ड वापस करने और मोदी सरकार का डटकर विरोध करने की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के इस फैसले ने मोदी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। मैं बड़ा धन्यवादी हाँ राजवीर कौर और सरदार करतार सिंह का जिन्होंने इस मूवमेंट नूं बड़ा दिल्ली तक पहुँचाया और बहुत बखूबी निभाया। मैं तो उस तो बाद हॉस्पिटल एडमिट होया सी ते 25 क दिन मैं दुनिया नाल कट्टिया रहा वहाँ और जा आण के सुनिया सारा तो बहुत बखूबी निभाया। बिल इस तरह जी, बिल एक तो जी आप कहने कि किसानां दीआं मंगां ने, किसान की मंग कोई नहीं है। जिहड़ा साढ़े ते जबरदस्ती ये थोपिया जा रहा कानून, असी तो कहना हाथ जोड़ के भी सानू नहीं चाहिए। दरअसल की है, मोदी साहब जिहड़े ने कॉरपोरेट घराणियां नूं ये वेच चुके ने पंजाब नूं। उन्हां दा इरादा ये सी कि तीन पीस जिहड़े मीट दे ने ये पिंजरे च रख दिओ ते पंजाबी शेर पिंजरे च वड़ के उन्हूं खाण लग जाणगे और मुड़ के बंद करके पिंजरा ते कॉरपोरेट घराणे जिहड़े ने उन्हां नूं सर्कस दा शेर बना के ते इशारियां ते नचाणगे। पर सारे समझदार जिहड़ियां किसान ने पंजाब दे लोक ने उन्हां नूं उहदे च बेईमानी दी उहदे च कमीनगी दी जिहड़ी बदबू आ गई और उन्होंने मना कर दिता भी सानू तुहाडा डेढ़ गुणा वधाण वाला बिल जिहड़ा उह नहीं चाहीदा। और मैं समझदा कि इहो जिहा अंदोलन ना दुनिया ते कोई होया और ना होना है। तुसीं देखो 10 बंदे इत्थे इकट्ठे हो जाण ते भन्न तोड़ शुरू कर देंदे ने। 4 महीने हो गए ने सड़कां ते बैठिया, टोल प्लाजा ते बैठा, रेलवे स्टेशन ते बैठा, दिल्ली ते बैठे आ, किसी एक बंदे नूं किते नौ जिनी झरीट नहीं आई। जे इस मूवमेंट नूं बदनाम करन वास्ते खट्टर साहब ने या मोदी साहब ने बंदे भेजे खालिस्तान दे नारे लवाए ते उत्थे भी साडे नौजवानां ने साडे किसानां ने उन्हां नूं फड़ के कहता खट्टर साहब आ तुहाडे बंदे सी, ये सही सलामत इन्हां नूं लै जाओ, ये साडे बंदे नहीं है। अज मैनूं अफसोस है कि 50 साडे जिहड़े किसान वीर उन्हां दीआं जानां चले गईआं।
मोदी साहब की एक भी हमदर्दी का लफज उन्हां दे मूँह चों नहीं निकलिया। आ टावरां दी न्याणियां ने जिहदी हमायत ना मैं करदा ना साडे किसान करदे ने, यूनियनां करदियां ने, उहदियां तारां कितें न्याणियां पता नहीं इन्हां ने आप कटाइयां की कटाइयां। राजनाथ सिंह दा, मोदी दा ते अज गवर्नर साहब दा भी बयान आ गया भी ये प्रॉपर्टी नूं जिहड़ा नुकसान नहीं पहुँचाना। हा दा नारा उन्हां 50 किसानां दीआं जानां लई भी ला लो। बाकी मैं एक जदों USA नवें नवें प्रधानमंत्री बने सी मोदी साहब, USA दे विच माइक दे उत्ते स्टेज दे उत्ते अपनी माँ नूं याद करके भुब्बा मार के रोण लग गए सीगे। अज 95 साल दीआं मावां जिहड़ियां ने उत्थे धरनिआं 'च कैंटरां 'च बैठियां ने, 3 डिग्री टैंपरेचर 'च बैठियां ने, इन्हां नूं उहदे 'च माँ नहीं दिसदी अपनी। सो मैं समझदा कि इस तों गुलामी इह गुलाम गुलाम प्रधानमंत्री और ये पंजाब नूं वेचना चाहुंदा सी, इहनूं इन्ना नहीं पता जिहड़े पंजाब दे शेर ने वो आप मास मार के खांदे आ। वो तेरे आ जिहड़े 3 टुकड़े तू कानून दे रूप 'च दित्ते आ उहदे नाल ये पिंजरे 'च बंद होण वाले नहीं। साढ़े पंजाबी सिख कौम सारे हिंदुस्तान, मोदी दे गुजरात भी, केरला, उड़ीसा, मुजफ्फरनगर, सीरिया, रोहंगिया दे, दुनिया 'च कितें भी मुसीबत बनती है तो वो जिहड़े ने उत्थे पहुँच के लोगों की मदद करते ने। लोगों के अज भी उत्थे तुसी देखो, जे ये अतवादी ने जे खालिस्तानी है तो असी भी खालिस्तानी हाँ। तुसी ये देखो, पहला करोना दे कहर दे विच लोकी घर दीआं बारियां नहीं सी खोलदे और साढ़े जिहड़े ये सरदार ने लोगों के घर दे विच जा के पंजाबी जिहड़े ने वो राशन पहुँचांदे सीगे, दवाइयां पहुँचांदे सीगे। जो दुनिया के विच तारीफ कीती है इन्हां ने पंजाबियां दी, यार इदां दे बंदे ने ये, अज मोदी ते थू थू दुनिया कर रही है। और एहो जिहा सरमाया जिहड़ा ये मोदी कोल है, हिंदुस्तान को सरमाया, उन्हूं नाराज करके मैनू नहीं पता भी ये कित्थे जाऊगा। ना इहनूं गुरतेज सिंह अर्गे मिलने ने जिन्हें 12 चाइयां का सिर लाया सीगा चाइयां का, ना इन्हां नूं ऊधम सिंह मिलने ने, ना भगत सिंह मिलने ने, इन्हां नूं ते चरखे वाले मिलणगे। उत्थे जाके देखो बदामां दे लंगर लंगे ने, उत्थे देखो जाके दुध 90,000 लीटर दुध रोज़ दा जा रहा है, उत्थे सारा कुछ किया। तो ये 100 रुपया लैणगे हैं, ये उन्हां नूं कहो भी 100 रुपया लैके तो 6 महीने की तैयारी करके जाना, उत्थे 100 रुपया नहीं लेंदे। ये तो जाना वारन वाले है पंजाब के लोग, जाना वारन वाले। मैं तुहानूं गरंटी दिंदा इहनूं कानून वापस लैने पैने हैं, कानून वापस लैने पैने हैं।